हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ कटहल की सब्जी। कटहल की सब्जी बनाने के लिए मैंने कटहल को काट के छिलके उतार दिए थे और उसके बाद हम उसमें कुकर लेंगे और कुकर में थोड़ा सा पानी डालेंगे और हल्दी डाल देंगे और नमक डालकर इसको उबलने के लिए रख देंगे कटहल को। एक सीटी लगा लेंगे। देखिए हमारा कटहल बॉयल हो चुका है, मैंने इसको निकाल लिया है। अब हम लोग बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई को रखेंगे गैस पर, उसके बाद उसमें तेल डाल देंगे, जीरा डाल देंगे थोड़ा सा, उसके बाद एक बड़ी इलायची और एक तेज पत्ता और दालचीनी डाल देंगे और भून लेंगे थोड़ा सा। उसके बाद फिर इसमें मैंने पिसी हुई प्याज डाल दी है, 3-4 प्याज मैंने पीस लिया था मिक्सर में। और प्याज को बहुत अच्छे से भून लेंगे। देखिए प्याज हमारी भून चुकी है और ये मैंने अदरक लहसुन और मिर्ची का भी पेस्ट बना लिया था, उसको भी डाल देंगे। उसके बाद फिर हल्दी पाउडर डाल देंगे और धनिया पाउडर और ये लाल मिर्च पाउडर, सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले अच्छे से भून लेंगे। जब मसाले तेल छोड़ने लगे तो समझिए हमारा मसाला रेडी हो गया है। मसाला हमारा भूनकर तैयार हो गया है तो अब हम इसमें कटहल को डाल देते हैं। और अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले में। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। उसके बाद पानी डाल देंगे। पानी डाल के उसके बाद फिर 5-6 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। उसके बाद अब चेक कर रही हूँ मैं कि देखिए कैसे, हमारा कटहल बॉयल हो रहा है। अब इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। उसके बाद फिर 10 मिनट के लिए पका लेंगे। देखिए सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसको निकाल लूंगी दूसरे बर्तन में। इसको बंद कर देंगे और निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में। देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनकर तैयार हुई है। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और मैं मिलती हूँ अगली रेसिपी में। सो बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।